हाँ सीधे अगर यूट्यूब। गुड मॉर्निंग आप सभी को। संडे व्लॉग के बाद हम लोगों ने सोचा एक मंडे व्लॉग भी बनाया जाए, और आज बेसिकली हमारा डेस्टिनेशन जो है वो बुढ़ई है, और मेरे साथ ज्वाइनिंग कर रहे सुमित भाई। चाहता हूँ पर कुछ खास ऐसा नहीं है। ये सत्संग एरिया, बस इस जगह पे और एक और जगह पे आपको ट्रैफिक पुलिस वाले दिखेंगे, और फिलहाल कहीं है नहीं, लेकिन ट्रैफिक चेक पोस्ट बनाया जा रहा है वैसे प्रोबेबली। तो कि आप कंफ्यूज हो जाते हो थोड़ा कि किस चीज़ को चूज़ करें, कैरियर को या अपने पैशन को। लेकिन स्मार्ट वे वही होता है कि जिस पैशन में अगर आपको कैरियर दिख रहा है तो उसमें स्टिक रहे, क्योंकि वही ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ही अच्छे से और दिल लगा कर मन लगा के कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात वो रहती है कि अपने कैरियर को पैशनेटली आप कैरी फॉरवर्ड करो। आज का वेदर इतना अच्छा और आज की रोड जो है तो बहुत ही गजब कर रोड। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to cross. करने वाला हूँ भाई वहाँ पे। इस जगह पे कभी कभार हम पिकनिक बनाए भी आ जाते हैं। जी हाँ, पिकनिक स्पॉट भी है ऊपर पे, जो ये पहाड़ है पिकनिक स्पॉट के लिए। रोड थोड़ी ख़राब है, तो जो जिनको ऑफ रोडिंग पसंद है उनके लिए ये पैराडाइज ही है। तो फाइनली हम लोग बुढ़ई मंदिर पहुंच चुके हैं, और ये अंधेरे का टाइम है तो यहाँ पे उतना रश नहीं होता है, भीड़ कम ही होती है, और लोग गांव वाले लोग ही सब रहते हैं यहाँ पे। तो ये वो मंदिर है, और सुमित भाई आज काफ़ी कैजुअल लुक में है तो चलेगा।
मंदिर में तो हमें उतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ बलि चढ़ती है। हम ऊपर जाएंगे और देखते हैं आपको। हम लोग बुढ़ाई पहुँच चुके हैं और अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। इस तरफ पहाड़ का व्यू जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पे मंदिर है। एक मिनट इधर का व्यू थोड़ा दिखा देते हैं। पॉन्ड एक्चुअली जब सीजन होता है, जब पूजा होता है, तो यहीं पर सारा लोग वगैरह नहा स्नान करके भगवान को बलि चढ़ाते हैं। तो बलि में ज़्यादा हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है और आज अंधिना ही आज भीड़ नहीं होती होती यहाँ पर। जब हम छोटे थे तो बचपन में इसी तरह ये पोल वगैरह में अटखेलिया करते हुए हम जाते थे। अब ये सब मौका नहीं मिलता, पर आज मिल गया मौका तो हम लोग चलो करते हैं ये भी। अच्छा सुमित भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे ये देखो यहाँ जो लिखा हुआ है, ये जो पत्थर में उकेर दिया है, फकीर का लकीर मोनिका और अमन, इससे क्या रिलेशनशिप हमेशा जिंदगी भर के लिए रहता है? नहीं, ये सब इन्फैटुएशन है, नई न्यू जनरेशन के लोगों की बेवकूफियां है ये सब। तो आपका कहना क्या है, ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रिलेशनशिप का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो हाँ ये जो इंस्क्रिप्शन जो ये सब करके गए, ये सब क्या भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए या मॉन्यूमेंट्स हो गए या पहाड़ी क्यों ना हो, ये गलत है। तो ये बिल्कुल गलत है। चलिए सुमित भाई मेरे से उनका फेवर करता है थॉट्स। ये सब लिख के क्या हिना ठाकुर वो क्या लड़की पढ़ने आती है? मुझे समझ नहीं, कॉमेडी लगता है। BCS तुम मेरी हो क्या, ये सब से होगा क्या? तो मेरे अगर व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स जो भी है, अगर वो ऐसा चीज करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा ना करें। अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस या पब्लिक प्लेसेस पे खासकर इन सब चीजों को ना उकेरें। ये सब जगह घूमने के लिए, लिखने के लिए नहीं। तो हाँ, एक बात मैं आपको ये ज़रूर बताना चाह रहा था कि ये जो पहाड़ है, ये वॉल्केनो से निकला हुआ पहाड़ है। तो ये जो पहाड़ है हमारा है ना, तो ये जो व्यू देख रहे हैं सारा जो पहाड़ है, ये बेसिकली पहाड़ जैसा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लगता सुमित भाई कि बस ज्वालामुखी फटा और सारा निकल गया, क्योंकि ये जो छेद वगैरह है ना, हमको पहले नहीं पता था कि ये वॉल्केनो से निकला हुआ पहाड़ है। ऐसा कहा जाता है, ये जो आप यहाँ पे तालाब देख रहे हैं, ये इस वॉल्केनो का एपिसेंटर है, ये यहीं से निकला था। और ये पहाड़ आप देख रहे हैं, ये इस तरफ देख रहे हैं। तो बेसिकली बोला जाए इतना वो जो जगह है जी उठा हुआ है जी, और इधर जो जगह है ये पूरा वॉल्केनो से निकला, ये पूरा वॉल्केनो से निकला हुआ है। क्लियरली वहाँ देखिये वो जो जगह है वहाँ क्लियरली पता चलता है कि देखिये। आइए ले चलते हैं आपको, कहीं का भी तो एकदम स्पष्ट पता चल रहा है, समझे? बिल्कुल। कि जो वॉल्केनो जो है, जैसे तरल हम लोग मूवी वगैरह में नहीं देखते हैं, हाँ हाँ, कि तरल निकल रहा है और जाके जम गया, वो देखिए वो उस टाइप से ही है। वो उस टाइप से, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसी पैटर्न्स की मैं बात कर रहा था, हम दोनों इसी पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे थे। ये देखिए, ये जो पैटर्न्स देख रहे हो आप, ये लावा जब निकलता है और जो हॉट मैग्मा व्हेन इट कूल्स डाउन, तब ऐसा होता है, तब ये ऐसा शेप में रॉक बन जाता है। इसको वॉल्केनिक रॉक भी कहते हैं, इसको इग्नियस रॉक भी कहते हैं। हाँ, इग्नियस रॉक भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, और वो मंदिर है ना, हाँ ये मंदिर है, किसका है? ये बुढ़ाई माता का, ये तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। वहाँ पे जो हम लोग देखे वो बुढ़ाई माता का मंदिर, वो बुढ़ाई माता का, यहाँ इस मंदिर का मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी व्यू है, व्यू तो खैर। और इस जगह को मुझे लगता है पर्यटन के हिसाब से थोड़ा ये करना चाहिए, झारखंड सरकार इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह जैसे ये हो गया, एक ये पॉइंट है, एक त्रिकुट पॉइंट है, एक बकुलिया डैम है, पुनासी डैम है। तो वो सब पिकनिक स्पॉट अगर बना दिया जाए, अगर इंकरेज किया जाए तो होगा, आगे भी चलते हैं। और रोड का कंडीशन भी सही नहीं है, रोड का कंडीशन भी सही नहीं है। ये जो रोड है ना, सीधा बिहार निकल जाता है, ये तो नहीं पता, बिहार कोई आइडिया नहीं है। और वो जो रोड है ना, वहीं से देखिए वो गिरिडीह चला जाता है, गिरिडीह धनबाद बोकारो रांची। चलिए ऊपर चलते हैं, रोड वो मंदिर जैसा जो बना हुआ वो गेट है बड़े, इस गड्ढो के बारे में इसका, हाँ ये आपको यहाँ पे स्क्वायर जैसा दिखेगा। ये एक्चुअली कहानी का नाम तो मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन स्थानीय लोग यहाँ पे कहते हैं
यहाँ पे कोई देवी देवता रहते थे या कुछ ऐसा था, इसी मान्यता है। और यहाँ जो ये जो स्क्वायर टाइप का आपको दिख रहा है, इसमें देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ होगा, लेकिन आप क्या इसमें से एक भी पढ़ नहीं पाएंगे? कुछ ये कोई दूसरे भाषा में लिखा हुआ है, ये किसी दूसरे भाषा में लिखा गया है। और ये कहा जाता है उनकी शादी हुई थी। और ये चार जो दिख रहे हैं आपको गड्ढे, एक दो तीन और एक पता नहीं किधर है, ये दिखा दीजिए। वन, हाँ एक गड्ढा, दो गड्ढा, थ्री और एक फोर्थ किधर है, फोर्थ बंद हो गया ये, हाँ बंद हो गया होगा ये, फोर्थ वहाँ है, हाँ फोर्थ ये। यहाँ पे ये किया गया था मंडप का, जो वो बांस गड़ाता है ना, हाँ। यहीं पे वो हुआ था। और ये यही वो जगह है जहाँ पे मंडप हुआ था और कुछ बना था और शादी वगैरह कुछ हुआ था। ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता बट ऐसा ही कुछ। अच्छा, तो ये मैं और समित भाई चल रहे हैं पहाड़ के उस छोर पे, एकदम लास्ट एंड पे। इस पॉइंट पे मैं आया नहीं हूँ। और हाँ व्यू तो अच्छा लग रहा है, नदी और उसके नदी के जस्ट बगल में खेत, खेत में हरियाली और वो पहाड़। सुमित भाई वो जो रॉक रखा हुआ है देखिए, वो ऐसा नहीं लग रहा है लिटरली कोई रख दिया है। हाँ। देखिए यहाँ के स्थानीय लोग गाय चराते हुए, यहाँ पे बैठ सकते हैं पर इस गर्मी में बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जगह पिकनिक के हिसाब से काफी अच्छा है, बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं। जो उनको ये देखिए, जैसे कि मैं ये वॉल्केनिक इरप्शन होके जो हुआ है, तो हो सकता है कुछ हजार साल या 10,000 या 20,000 साल पहले ये चीज घटना हुआ होगा, क्योंकि वॉल्केनो ठंडा होने में तो 2-3 दिन का समय लगता है जिस हिसाब से। और ये पहाड़ का एज जो है ये ज्यादा यंग नहीं लगता है और ज्यादा ओल्ड भी नहीं है। पर ये देखिए, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है इधर, ये देखिए उधर, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन ये जब लावा इधर से जब इरप्ट हो रहा था, हॉट मैग्मा जब ये कूल्ड इधर से नीचे गया, अच्छा पूरा फैल गया। और देखिए ये यही वो लाइनिंग है जो अभी तक मिट नहीं पाया है, ये लाइनिंग अभी भी वैसा का वैसा है। ये ऐसी बात नहीं है कि इसको कोई, क्योंकि ये देखिए ये उभार जैसा है और ये कोई मैनमेड कुछ नहीं है, मैनमेड तो नहीं, ये नेचुरल है। अब देखिए यही बात है, तो ये नेचुरल चीज मैनमेड आदमी बना ये है, ये इम्पॉसिबल है बनाना, ये पूरा का पूरा आप नेचुरल देख रहे हो। और ये जब मैग्मा हॉट लावा जब ये निकली थी तो ऐसा इस पाथ में ये नीचे जा रही थी और ये कूल डाउन हो गया, इस ये टेक्सचर मिल गया। देखिए इधर का नजारा, व्यू तो जबरदस्त है। हाँ व्यू तो जबरदस्त, दोनों तरफ ऐसा लग रहा है रिंग रोड बना हुआ है नदी का, बिल्कुल वही है। तो वही तो आया इधर, हाँ वही नहीं, ये इधर से जा रहा है उधर और ये इधर से उधर जा रहा है। हाँ तो एक चीज और है देखने लायक जी, जो गड्ढा हुआ तीन सेक्शन हुआ वहाँ पे पानी जमा है, इसलिए तो आपको मैं यहाँ लेके आया। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे पता नहीं लाखों के तादाद में मॉस्किटोज के जो लार्वा हैं, इतनी गंदी पानी है ये जम के, बारिश का पानी यहाँ पे ठहर सा जाता है और ये देखिए हरे हरे खेत धान के। एज ऑफ द बॉक्स जिसको बोल सकते हैं, सुसाइडल पॉइंट, लीप ऑफ फेथ, बढ़िया।